हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आज हम मेजरमेंट और प्रेशर के बारे में बात करेंगे। मैंने आपको पिछले क्लास में आप एक वो पिछली क्लास की वीडियो आप देखी होंगे। प्रेशर के मैंने आपको पूरी अच्छी तरह डिटेल बताया। इसके जितने भी प्रेशर के यूनिट होते हैं फ्रेंड, एक भी मैंने नहीं छोड़ा। टोटल यूनिट आपको मैंने बताया कि कितने सारे इसके यूनिट होते हैं। और फ्रेंड, इसके सारे यूनिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार SSC JEE के एग्जाम में वगैरह में पूछे जाते हैं, और भी जितने भी एग्जाम होते हैं तो फ्लूड मैकेनिक्स के सब्जेक्ट में ये प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फ्लूड मैकेनिक्स का। तो फ्रेंड, आपको इसके यूनिट बहुत ही जरूरी है याद कर रखने आपको। तो अगर जो जिसने मेरे प्रीवियस वीडियो क्लास 4 की नहीं देखी तो प्लीज वीडियो को देखें और जानिए कि किस तरह, क्योंकि फ्रेंड अगर जो वो नहीं देखोगे तो आज की जो मैं क्लास ले लूंगा तो वो आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तो आज हम मैंने आपको बताया था कि क्लास 5 में हम आपको मेजरमेंट और प्रेशर बताएंगे, जिसमें कि डिवाइसेस बताने वाला था मैं आपको बैरोमीटर और मैनोमीटर के बारे में। तो फ्रेंड, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि बैरोमीटर और मैनोमीटर होता क्या है। ठीक है, तो फ्रेंड जो बैरोमीटर होती है, मैं दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ ताकि उसको आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको आपको समझ में भी आ जाएगा कि दोनों होती क्या है। तो फ्रेंड, सबसे पहले फ्रेंड हम सिमिलरली की बात करते हैं कि इन दोनों में सिमिलर चीज क्या है। दोनों क्या करते हैं, प्रेशर को मेजर करते हैं। प्रेशर को क्या करते हैं, ये भी मेजर करते हैं। ठीक है, ये तो सिमिलर चीज हो गए। दोनों सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। ठीक है, सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। दोनों की प्रिंसिपल क्या होती है, सेम होती है। ये तो हो गए सिमिलर थिंग। लेकिन सिमिलर थिंग आपसे कोई नहीं पूछेगा, जो भी पूछेगा आपको डिफरेंस ही पूछेगा। क्योंकि भाई सबको पता है कि भाई प्रेशर है, बैरोमीटर है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, एयर प्रेशर को क्या करता है, ये मेजर करता है। लेकिन डिफरेंस क्या है भाई इनमें, तो देखो फ्रेंड मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको। तो फ्रेंड याद रखो कि जो बैरोमीटर होता है ना, बैरोमीटर क्या करता है, प्रेशर को तो ये मेजर करता ही है, मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, लेकिन जो मैनोमीटर होता है ये भी क्या करता है, मेजर करता है एटमोस्फेरिक प्रेशर को। लेकिन कब, विच लोअर ये भी प्रेशर को मेजर करता है, लेकिन कब करेगा, जब इसकी एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होगी, कम होगी। ठीक है ना, लोअर दी एटमोस्फेरिक, ये एटमोस्फेरिक के लोअर में मतलब मेजर करते हैं, जितना एटमोस्फेरिक प्रेशर से हमारा कम, एटमोस्फेरिक से प्रेशर से हमारा कम होना चाहिए, तभी ये उस प्रेशर को मेजर कर पाती है। मतलब फ्रेंड फ्रेंड एक बार फिर समझो, जब प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर से कम होगी, कोई भी प्रेशर, तो उसको मैनोमीटर क्या करेगा, मेजर करेगा। क्लियर हो गए फ्रेंड। और बैरोमीटर कब करता है, जब ये एटमोस्फेरिक प्रेशर को सिंपली है, जो अगर जो एटमोस्फेरिक प्रेशर पे भी होगा कोई भी प्रेशर, तो उसको मेजर कर लेगा और कम भी रहेगा तब भी। लेकिन मैनोमीटर क्या होगा, सिर्फ लोअर दी एटमोस्फेरिक प्रेशर को ही मेजर करेगा। और फ्रेंड एक चीज मैं और आपको बताता हूँ कि इसमें सिर्फ क्या होते हैं, जो ग्लास होती है वन एंड ग्लास होती है। ठीक है ना, मतलब एक साइड से ही ये ओपन रहती है, जो ओपन होती है एक साइड से होती है। लेकिन ये जो है मैनोमीटर, बोथ साइड क्या होती है, ओपन होती है, लेकिन जो है एक साइड क्या होती है, एक साइड तो हमारे एटमोस्फेयर के तरफ खुला रहता है, और एक तरफ जो होता है हमारा, हम उधर यूज करते हैं जहां पे हमारा प्रेशर को क्या करना है, मेजर करना होता है। तो इसमें बोथ साइड क्या होती है, ओपन होती है, इसमें याद रखना है। ठीक है, लेकिन एक साइड क्लोज, हम इसलिए हम इसमें एक तरफ से बोलते हैं कि इसमें तो सिंपल सी बात है, एक ही एंड होती है, ओपन होती है। और इसमें जो होती है दो साइड होती है, एक साइड क्या होती है, एक साइड तो एटमोस्फेरिक के तरफ होती है, दो साइड होती है, दो साइड में बता देता हूँ। एक साइड जो ओपन होती है एटमोस्फेरिक प्रेशर के लिए, और एक साइड क्या होती है, जहां पे हमारा
प्रेशर को करना है मेजर, ठीक है ना, उस साइड में होती है। तो एक साइड कहाँ होती है, जहाँ पे एटमोस्फेरिक की तरफ खुला रहता है, और एक तरफ कहाँ रहता है, जहाँ पे प्रेशर को हमें मेजर करना है। तो ये हमारा हो गया सेकंड, जो भी है सेकंड थिंग हो गई, कि इससे हमें ये पता चल गया होगा आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसमें जो है फ्रेंड बैरोमीटर में, इसमें क्या होती है, इट कंटेन मर्क वैक्यूम, इसमें वैक्यूम फील्ड होती है फ्रेंड। इसमें क्या होती है, हम इसमें जो होती है मरकरी होती है, मरकरी फील्ड होती है, ठीक है, मतलब या फिर हम ये कह सकते हैं कि वैक्यूम फील्ड ना होती है, ठीक है ना, वैक्यूम जो है नहीं होती है इसमें। एक एक चीज और बताना चाहूंगा, और एक चीज और देखते हैं कि जो इसके टाइप्स देख लीजिए जरा, एक होती है मरकरी बैरोमीटर, एक होती है एनेरोइड बैरोमीटर, ठीक है, एक होती है मरकरी बैरोमीटर, एक होती है एनेरोइड बैरोमीटर। अब इसमें क्या होती है, एक होती है सिंपल मैनोमीटर, एक होती है डिफरेंशियल मैनोमीटर, एक होती है डिफरेंशियल मैनोमीटर, एक होती है सिंपल मैनोमीटर। तो ये फ्रेंड मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि दोनों में क्या डिफरेंस होती है। तो ये बैरोमीटर और मैनोमीटर था, जो कि दोनों में डिफरेंस क्या है और सिमिलरिटी क्या है, दोनों मैंने डिस्क्राइब किया है इसमें। तो फ्रेंड एक बार हम रिविजन कर लेते हैं इसकी, कि जो बैरोमीटर होती है दोनों क्या काम करती है, प्रेशर को मेजर करती है, लेकिन जो बैरोमीटर है वो क्या करती है, एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करती है, और ये जो है लोअर दी एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करेगी, लेकिन क्या होगी, लोअर होना चाहिए उस एटमोस्फेरिक प्रेशर से। इसमें वैक्यूम होती है, इसमें वैक्यूम नहीं होती है, इसमें एक वन साइड होती है, और इसमें क्या होती है, दोनों साइड ओपन होती है, एक साइड जो होती है एटमोस्फेरिक प्रेशर की तरफ खुला रहता है, और एक जो होती है हमारे जहाँ पे हमें प्रेशर को मेजर करना है। दो टाइप की होती है, एक मरकरी बैरोमीटर, एनेरोइड बैरोमीटर, सेकंड में होती है सिंपल बैरोमीटर, मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम इसमें पढ़ेंगे कि मैनोमीटर को हम इस डिस्क्राइब करेंगे, सिंपल मैनोमीटर और डिफरेंशियल मैनोमीटर क्या होती है। ओके थैंक्स यू, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स।